हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आज मैं बताऊंगी डिलीवरी के बाद आपको डॉगी को क्या खिलाना है और मैं कोको को क्या खिलाती हूँ, उसको कैसे बनाती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगी। और आप भी अपने घर पे डॉगी के लिए ये खाना बना के दे सकते हो। डॉगी डिलीवरी के बाद आपको बहुत सारा प्रोटीन खिलाना होता है क्योंकि उसको प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो मैं तो कोको को बेसिकली फर्स्ट डे तो खा ही नहीं रही थी। सेकंड डे मैंने उसको अंडा, चिकन बॉयल ये सब दे रही हूँ। और किसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि उसको भूख लगने का एक दवाई होती है, वो खिलाओ, तो मैं ये वाला दवाई खिला रही हूँ। मैंने ये परसों से स्टार्ट किया इसको, एक 5 ml दिया मैंने ये सिरप, उसके बाद तो कमाल ही हो गया, वो तो खाने लगी। और कभी कभी क्या होता है, इनके ये कोको का फर्स्ट टाइम है तो बोलते हैं ना मिल्क आना चाहिए, मतलब बच्चों को मिल्क मिलना चाहिए, तो उसका आई थिंक हो नहीं रहा था। और मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि इनके साथ ये एक चम्मच दूध के साथ मिला के मैं दे रही हूँ कोको को। परसों से ही मैंने दिया तो रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। और हर 2 घंटे में फीडिंग कराती हूँ मैं। तो मैंने कोको का खाने के लिए लिया है, मतलब उसका खाना बनाने के लिए मैंने लिया है, ये देखो कुछ बीन्स और एक ये बीट और गाजर जो पुराना था मेरा, 2-3 दिन पुराना, ये डाल दूंगी। और ये गाजर, एक टमाटर और ये चिकन और थोड़ा सा राइस। तो पहले मैं कोको को बहुत ज़्यादा चिकन खिलाती थी, दिन में भी चिकन, रात को भी चिकन, पेडिग्री के साथ भी मिक्स करके चिकन। तो एक दिन वो बीमार पड़ गई थी, तो फिर मुझे लगा कि उसको चिकन का क्वांटिटी कम कर देना चाहिए और डॉक्टर ने भी वही बोला था। तब से मैं वेजिटेबल के साथ चिकन का क्वांटिटी एकदम कम, 30 ग्राम तक का ऐड करती थी। मैंने इसमें थोड़ा सा राइस, चिकन पीस और टमाटर, टमाटर का स्पेशली मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप लोग भी अपने डॉग को देना चाहते हो तो टमाटर का छिलका निकाल लेना और अंदर का जो सीड है, मतलब बीज है, उसको निकाल के फेंक देना और फिर उसको काट के देना उसमें। और बीन्स वगैरह दिया, राइस दिया, 4-5 पीसेस मैंने चिकन दिया। अब मैं इसमें फिल्टर पानी डालूंगी और उसके यहाँ, तो ये मैं पकाती रहूँगी थोड़ा टाइम तक, जब तक वो बॉयल ना हो जाए। टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन बॉयल होने तक पकाना है मुझे उसको। और एकदम पक जाएगा फिर मैं उसको ठंडा करके मिक्सी में ग्राइंड करके फिर उसको सूप जैसा दूंगी, वो खाती है। इसमें कैसा होता है, सब्जी भी खा लिया और प्रोटीन का प्रोटीन भी मिल गया और हेल्दी खाना हो गया, ऐसा है। कोको का खाना बनके तैयार, ये देखिए चिकन और जो भी मैंने डाला था वो, मतलब मैंने बॉईल कर लिया और फिर ग्राइंडर में मिक्सर में मिक्स किया और फिर मैंने ऐसे सूप जैसा बनाया है, जैसे कि ऐसे ऐसे थोड़ा पानी डाला है क्योंकि पानी ये लोग तो पीते नहीं, ये बहुत कम पीते हैं, तो इसमें ज़्यादा पानी डाल देती हूँ तो उसका वाटर लेवल सही हो जाता है। अब ये जो चिकन बचा है, इस चिकन को मैं, आप भी अपने डॉग को ऐसे दे सकते हो, ऊपर से ऐसा छोटा छोटा और भी छोटा छोटा करके डाल दो, वो लोग सब खा लेते हैं क्या कोको? एक मिनट, ये लो, गुड गर्ल, जाओ रुक जाओ, खाना बन रहा है, तो इस तरीके से वो लोग खा लेते हैं। कोको टेस्टी है, गुड गर्ल, खाओ खाओ। पानी बहुत कम पीते हैं तो मैं इसीलिए खाने पे ज़्यादातर वाटर लेवल ज़्यादा डालती हूँ। कोको पानी भी पी लेना थोड़ा बाबू। और अभी ठंड का मौसम है तो मैं थोड़ा गर्म पानी मिक्स करके देती हूँ। कोको कोको अभी उनको फीडिंग कराएगी। तो दोस्तों मैं ना 5 बच्चों को एक साथ फीटिंग करा रही हूँ क्योंकि इसने एक दो बार ऐसा किया कि जब फीटिंग कर रहे थे तो छोड़ के चली गई, तो उसको शायद पेन होता है कोको को, इसीलिए वो देती नहीं है। तो मैं अलग अलग करके नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए एक साथ ही मैं सबको दे देती हूँ और 10 मिनट से 15 मिनट उसके बाद ज़्यादा नहीं देती हूँ। और अभी ये लोग 7 दिन के हो चुके हैं तो मैं अभी इनका टाइमिंग भी बढ़ा चुकी हूँ, पहले 1 दिन 2 दिन में
थर्ड डे इसमें तो 1.5 घंटे का ही गैपिंग रखा था, अभी डायरेक्टली मैं 2 घंटे का गैपिंग रखी। और जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा इन लोगों का खाने का टाइमिंग मैं बढ़ा दूंगी। और ये खाना सिर्फ मदर डॉग के लिए ही नहीं है, कोई भी डॉग के लिए अच्छा है, आप लोग खिलाओ। क्वांटिटी कम ही रखना चिकन का तो हेल्थ अच्छा रहता है। और आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और जितना इन्फॉर्मेशन मुझे देना था आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं कल एक नया वीडियो लेके आऊँगी और भी सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूँगी। तो आज आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।